जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। एक दो दिन का बीच में गैप पड़ गया, थोड़ा वायरल हो गया, थोड़े से मसरूफ हो गए, तो मैं इस गैप के बाद आपके सामने हाजिर हूं। और आज मैं बात करूंगा एक दो चीज़ों पर, इनफैक्ट तीन चीज़ों पर। सबसे पहले बात करेंगे गाज़ा के ऊपर कि गाज़ा में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। उसके बाद जो अज्ञात वीर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों को मार रहे हैं, उनका बैकयार्ड साफ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे हम पुतिन के मिडिल ईस्ट के दौरे को लेकर। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा में क्या हो रहा है, गाज़ा की स्थिति क्या है। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, गाज़ा को बहुत जो जो लोग हमारे को सुनते हैं वो गाज़ा को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर। और अभी दो महीने से ज़्यादा हो चले हैं, नॉर्थ गाज़ा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसराइल ने इतनी भयंकर बमबारी करी है कि वहाँ सब कुछ उन्होंने रेत बना दिया है। अब इसराइलियों का फोकस साउथ में हो गया है, खान यूनिस के आसपास बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, हाउस टू हाउस फाइटिंग हो रही है, यानी कि अर्बन वॉरफेयर पूरे चरम पर है। और एक खबर के मुताबिक उन्होंने बीती रात, दैट इज पिछली और पिछली से पिछली रात, 450 बम साउथ गाजा के अंदर गिराए हैं और लाखों की तादाद में गाजंस जो हैं, दैट इज पैलेस्टीनियंस, जो आम पैलेस्टीनियंस हैं, वो टेंटों में रहने में मजबूर हैं। टेंट भी उन्होंने अपने मेकशिफ्ट बनाए हैं। कोई सप्लाईज नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सप्लाईज नहीं आ रही हैं। अमेरिका बहुत चिंतित है। एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा है कि जितना वादा इसराइल ने किया है उस वादे पर वो खरा नहीं उतर रहा है। वहीं सीज फायर को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की गई, जिसको यूएस ने वीटो कर दिया और इसमें यूनाइटेड किंगडम्स ने वॉकआउट किया। यूएस का कहना है कि ये बैलेंस्ड रेजोल्यूशन नहीं था, हमास के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया और ये अनरियलिस्टिक है। वहीं इसराइल का कहना है कि अगर अब सीज फायर हो जाएगा तो हमास पूरी तरह खत्म नहीं होगा और हमास को एक लाइफलाइन मिल जाएगी अगले हमले करने की। और इस पूरे हमलों की फहरिस्त में, इस पूरे हमलों के जोर और जबर में हम देख रहे हैं कि हमास चुप नहीं है। हमास की तरफ से हमले निरंतर जारी हैं, रॉकेट अभी भी हमास की तरफ से, चाहे वो इक्का दुक्का ही सही, लेकिन चल रहे हैं। हाउस टू हाउस लड़ाई हो रही है, यानी कि कोई लड़ रहा है तभी तो लड़ाई हो रही है। और इसी बीच एक तस्वीर ये भी आई, कि बहुत सारे फिलिस्तीनी जमीन पर बैठे हैं, अंडरवियर में बैठे हैं, कपड़े उतरे हुए हैं और हाथ सिर के पीछे हैं। तो ये वाली तस्वीर को लेकर बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी मीडिया हाउसेस में एक आउटरेज देखने को मिला कि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। वहीं इसराइल का कहना है कि इन लोगों ने सरेंडर किया, ये हमास के आतंकी थे और इन लोगों ने सरेंडर किया। वो सरेंडर ऐसे किया कि जिन इलाकों में लड़ाई चल रही थी वहां पर इसराइलियों ने अनाउंसमेंट करी कि औरतें और बच्चों को यहां से निकाल दिया जाए। उसमें औरतें और बच्चे कुछ निकल गए और पीछे रह गए ये आदमी लोग। इनको बोला गया कि भाई अब आप सरेंडर कर दें। तो इनमें से कई लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब इनको पता लग गया कि चारों तरफ से अच्छी तरह से घिर चुके हैं, बचना असंभव है, तो इन लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के अंदर एक यूनाइटेड नेशंस का कर्मचारी है फिलिस्तीनी इसी फोटो में, और एक कोई जर्नलिस्ट भी देखा गया है। तो अब ये बात हो रही है, लोग इसको लीपा पोती या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये तो यूनाइटेड नेशंस का एक वर्कर था, ये इसराइलियों ने पकड़ लिया है, अरे ये तो एक पत्रकार था। तो ये हमें याद रहे कि हमास को आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया मानती है, लेकिन
फिलिस्तीनी उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं, अरब के मुल्क उनको आजादी के परवाने मानते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये हमास के साथ मिलकर अगर लड़ रहे थे तो ये आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये आतंकवादी हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वीर है, ये पहली बार ऐसी तस्वीर आई है जब से ये युद्ध चला है जिसके अंदर हमास के आतंकियों ने इतना बड़े पैमाने पर सरेंडर किया हो। और इसी बीच इसमें दुख की बात यह भी है कि इजरायली फौज जब जब उनको पता लगा कि फलाने इलाके में कुछ इजरायली बंधक हैं तो उनको छुड़ाने के लिए जब स्पेशल फोर्सेस गई तो वहां पर उस लड़ाई में एक इजरायली बंधक जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है वो मारा गया। दो इजरायली सैनिक बहुत शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उनका इलाज चल रहा है, बचेंगे नहीं बचेंगे ये ऊपर वाला जानता है। तो ये एक घटना हुई है। अब इसको पूरी तरह अगर एनालाइज समअप करा जाए तो आम फिलिस्तीनियों की जिंदगी बहुत खराब है, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया बहुत कंसर्न है कि आम लोगों की जिंदगी को लेकर। जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल रुकने वाला नहीं है। इसराइल ने नॉर्थ गाजा खत्म कर दिया है, इसराइल पूरी तरह साउथ गाजा को खत्म कर देगा, इसमें किसी को कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए। वहीं इजिप्ट ने कहा है कि अगर ये फिलिस्तीनी शरणार्थी बनकर इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला में आएंगे तो इजिप्ट और इसराइल के संबंध खराब हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि इजिप्ट कितनी शिद्दत से फिलिस्तीनियों को रोकने के प्रयास में लगा हुआ है, कितनी नफरत होगी मिस्र के लोगों को फिलिस्तीनियों को लेकर। खैर ये इन लोगों का आपस का मामला है, लेकिन एज गुड ह्यूमन हम सबको कंसर्न है कि वहां पर आम लोगों की जिंदगी कितनी बदहाल हो चुकी होगी इस पूरी लड़ाई के अंदर, और वो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर अज्ञात वीरों की। अज्ञात वीर मीन्स अननोन गनमैन जो आए दिन शरेआम फुल ऑन पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठोक रहे हैं, लीडर्स को ठोक रहे हैं। आज ही कोई एक आलमगीर आलमगीर करके कोई जैशे मोहम्मद का ठोका है, कहा जाता है कि ये सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला हुआ था जिसमें 40 सैनिक हमारे शहीद हुए थे उस हमले में कहीं ना कहीं ये शामिल था। तो उसको उसका पहले अपहरण किया और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं पाकिस्तान में हर हफ्ते हो रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की गुहार लगाई है। वहीं जब इस आलमगीर का अपहरण हुआ तो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने कई जगहों पर दबिश दी, रेड्स करे, लेकिन ये अननोन गनमैन अज्ञात वीर पकड़े नहीं गए। और सुनने में आ रहा है कि इन्होंने एक जगह पर ले जाकर आलमगीर को ख़त्म किया और उसको वहाँ पर उसकी डेड बॉडी छोड़ के फरार हो गए। तो यानी कि ये पाकिस्तानी फौज उनको पकड़ नहीं पाई। तो इसके अंदर भी दो पॉइंट हैं। मेरा पॉइंट कभी तो ये लगता है कि नहीं नहीं यार ये हम नहीं करा रहे क्योंकि हमारी काबिलियत नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम पुन्नू वो खालिस्तानी पुन्नू है पन्नू क्या है उसको नहीं ठोक पाए, ऐसे मुल्क में नहीं ठोक पाए जहाँ पर हथियार बाजार में दुकान पे मिलता है, जिसमें जहाँ पे कोई गन कंट्रोल का कोई खेल नहीं है, गन्स आराम से मिलती हैं, पैसे पे आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ जो जो शूटिंग्स के हिसाब से लिहाज से अगर एनालाइज किया जाए तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद तो अमेरिका में है। तो ऐसे मुल्क में आप पन्नू को नहीं ठोक पाए, पकड़े गए, तो ये लोग पाकिस्तान में क्या कर पाएंगे? ये एक मेरा ये मानना है कि यार ये इनके बस की नहीं है। फिर जब ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की फौज दबिश दे रही है, रेड्स कर रही है, आईएसआई भी परेशान है, उधर दाऊद इब्राहिम कह रहा है मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो, और ये सब
काम हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि नहीं नहीं यार, ये हमारे ही लोग कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए इन लोगों ने बहुत आतंकवाद मचाया है, और जब तक ये कीमत अदा नहीं करेंगे तब तक इनको समझ नहीं आएगा। तो इनके घर के अंदर दहशतगर्दी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से ये कार्रवाई हो गई है। अब बात करते हैं पुतिन के मिडिल ईस्ट के दौरे की। पुतिन साहब मिडिल ईस्ट में गए, सऊदी अरेबिया में उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, वहीं यूएई के अंदर भी उनको बहुत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, एयरफोर्स की तरफ से भी सलामी दी गई, और बहुत ही जोशो खरोश के साथ उनका उनका विजिट जो है मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ। और 24 घंटे के दौरान वापस जाने के बाद उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को भी अपने मुल्क में, दैट इज मॉस्को में, उनका स्वागत किया। तो ये घटना बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। अब इसके अंदर बाकी चीजों में ना जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको आप इस तरीके से देखिए कि अमेरिका चाहता था और अभी भी चाहता है कि वो अकेले का डंडा पूरी दुनिया में चले। उसको उसका मानना है कि उसने रूस को खत्म कर दिया है, चाइना को वो उभरने नहीं देगा, कंट्रोल में कर लेगा, और इंडिया को उसने अपने साथ मिला लिया है। ऐसे में यहां पर आवाजें उठ रही हैं दुनिया के अंदर, खासतौर से रूस के ऊपर जब से सैंक्शन लगी है, कि डॉलर का वर्चस्व इस दुनिया से हटाना है, और डी डॉलराइजेशन की बातें हुई, बातें अभी भी चल रही हैं। चाइना एक मेन प्लेयर भी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जटिल चीज है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इस तरीके का सेंटिमेंट मौजूद है। इंडिया इस पूरे खेल के अंदर इसने अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई है, बहुत प्रेशर पड़ा हमारे ऊपर। हमने हाल ही में पुतिन साहब का एक वीडियो भी देखा जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करी कि इतना प्रेशर पड़ने के बावजूद इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी नहीं छोड़ी, और ये न्यूट्रलिटी एक मिसाल है उन मुल्कों के लिए जो जिनमें कुछ एक खुद मुख्तारी है, कुछ एक आत्मसम्मान है। और सऊदी अरेबिया और यूए भी इस पूरे खेल में न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रलिटी दिखाना चाहते हैं, और ये पुतिन के विजिट को जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई ने हैंडल किया है, ये अमेरिका को ये बताने के लिए है कि देखिए हमारी मजबूरी होगी कि हम आपके साथ में कभी हाथ मिला लेते हैं, लेकिन हमारा दिल अब आपके साथ में नहीं है, आप बदमाश हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप G20 समिट पे अपना ध्यान ले जाएं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा था कि उन्होंने जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग कराई, तो आप देखिए कि वो किस तरीके की क्या मीटिंग रही, जिसको बोलते हैं कि जबरदस्ती वाली मीटिंग थी वो, किसी के चेहरे पे उस तरीके की खुशी नहीं थी। और उसको कंपेयर कीजिए आप, ये पुतिन साहब जब गए हैं सऊदी अरेबिया तो हाई फाई बज रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है और पता नहीं क्या क्या, जबरदस्त उनका स्वागत और सम्मान किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इससे इंडिया जैसे मुल्क ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम इंडिया का स्टांस ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये याद रहे कि पोल कौन कौन से हैं। अगर अमेरिका एक पोल है, EU एक पोल है, चाइना एक पोल है, रशिया एक पोल है, तो हिंदुस्तान भी एक पोल है। इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर है, और इसकी जो पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, रीजनल से थोड़ा एक्स्ट्रा रीजनल पावर बनते जा रहा है। आप ये कह लीजिए कि ये मिडिल ईस्ट से लेकर और पूरे साउथ एशिया के अंदर एक अव्वल क्रेडिबल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, बहुत जबरदस्त इसके पास एसेट्स है, इकोनॉमिक पावर भी है। देखिए न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान भी है, लेकिन वहां पे खाने को दाने नहीं है, बुरा हाल है, तो वो क्रेडिबल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास में इकोनॉमी है, तो हमारे पास जिस तरीके की क्रेडिबिलिटी है वो इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि अमेरिका को बहुत प्रयास करना पड़ेगा,
खासतौर से जिस तरीके से उसने इसराइल का समर्थन किया है, अरब वर्ल्ड पूरी तरह से नाखुश है, और इंडिया ने जिस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट रखा है, चाहे वो इसराइल का मामला हो या वो यूक्रेन का मामला हो, ये दुनिया सराह रही है, क्योंकि इस दुनिया में अमेरिकन प्रेशर को झेलना हर एक के बस की बात नहीं है। तो भारत ने बखूबी इस प्रेशर को झेला भी है और इस प्रेशर के चलते अपना हित साधते हुए तरक्की की राह भी नहीं छोड़ी है। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।